अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज़ेर मैडम से, क्योंकि जी आज इसका ड्रीम कम ट्रू हो गया था। काफ़ी दिनों से ये फरमाइश कर रही थी कि मम्मा मुझे स्केटिंग शूज़ दिला दे, शूज़ दिला दे। तो फाइनली आज मेरा बाज़ार का चक्कर लग गया था, तो मैं इसके लिए शूज़ लेके आ गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और यहाँ पर ट्राई करके देख रही थी, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे कि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और काफ़ी टाइम से ये फरमाइश कर रही थी, मुझे बचपन बहुत ज़्यादा शौक होता था ये चलाने का, बट डर बहुत ज़्यादा लगता था। बट आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है, तो मैंने कहा चलो अपना शौक भी इसी पे ही पूरा कर लेती हूँ। तो फाइनली आज मैं इसके लिए शूज़ लेके आ गई थी और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अब आप हमेशा ही इनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें, क्योंकि जी इन्हीं से घर में रौनक होती है, इन्हीं से घर में बरकतें होती हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, इनको कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद मुझे बहुत ही शदीद किस्म की दहीबड़ों की क्रैविंग हो रही थी, तो बस मैं झटपट से किचन में आ गई थी। थक भी गई थी बाजार से आते हुए, बट फिर भी मैंने कहा चलो बना लेते, क्योंकि कहते हैं ना कि शौक का कोई भी मोल नहीं होता। तो जल्दी से मैंने बेसन वगैरह घोला और दही को बीट वगैरह किया और झटपट से यहाँ पर मैं दही बड़े वगैरह बना के आ गई थी। साथ में जी शाम का टाइम था तो चाय कैसे मिस कर सकते हैं, तो चाय भी लाजमी है। और ये मैडम भी यहाँ पर इंजॉय कर रही थी अपने दही बड़े, और बेबी यहाँ पर कर रही थी दही बड़े, देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे। अभी मेरे मुँह में पानी आ रहा था, उस टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय। और जी ये क्रेविंग मुझे वीडियोस देख देख के हो गई थी, क्योंकि जी इंस्टा खोलो टिकटॉक खोलो तो वहाँ पर इतने कोई फूड ब्लॉगर्स होते हैं कि समझ ही नहीं आता बंदा क्या देखे क्या स्किप कर दे। और सब भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है, कहीं बिरयानी की, कहीं चाट की, कहीं दही बड़ों की। तो दिल करता है कि उसी टाइम उठ के बंदा बना के और खा ले, उस टाइम तो मुमकिन नहीं होता। तो इस टाइम आज मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मेरा झटपट से बना लिए थे। और जी आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, होप कि आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।